शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर अभी विवाद थमा ही था कि उनकी पत्नी गौरी खान को लेकर एक बड़ा मामला सामने आ गया है। मामला 86 लाख रुपए की धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है और इसको लेकर गौरी खान समेत 3 लोगों के ऊपर एफआईआर लखनऊ में दर्ज करवा दी गई है। हालांकि इसमें गौरी खान का आप ये कह सकते हैं कि कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि वो इस कंपनी की सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर है। अब ब्रांड एम्बेसडर होना कोई गुनाह नहीं होता है, गौरी खान सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर है। धोखा करने वाली वो कंपनी है जिसने 86 लाख रुपए का धोखे का काम किया है, इस तरह का आरोप लगाया जा रहा है। आईपीसी की धारा 409 के तहत 3 लोगों के ऊपर ये केस दर्ज किया गया है। मुंबई के रहने वाले एक निवासी हैं जसवंत सिंह शाह। इन्होंने तुलसियानी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर लिमिटेड, जिसकी ब्रांड एम्बेसडर गौरी खान है, गौरी खान इसका विज्ञापन करती हैं, बस वो इसी वजह से इस कंपनी से जुड़ी हुई हैं। बाकी लेन देन का कोई भी काम गौरी खान का नहीं है। लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी में ये फ्लैट एक इस शख्स के नाम करने की बात कही गई थी, जिसके लिए इसने 86 लाख रुपए दिए थे इस कंपनी को, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो फ्लैट उसने किसी और को ही दे दिया है, वहां पर कोई और रह रहा है। शख्स का ये कहना है कि उसने गौरी खान का विज्ञापन देखने के बाद ही गौरी खान से प्रेरित होकर गौरी खान के ऊपर विश्वास करके इस फ्लैट को खरीदा था, वरना वो नहीं खरीदता। अब उस शख्स के पैसे तो फंस चुके हैं, तो उसने सोचा क्यों ना इन तीनों के ऊपर ही केस दर्ज कर दिया जाए। अब गौरी खान इसमें बड़ा नाम है, तो गौरी खान के ऊपर भी केस दर्ज करेंगे तो मीडिया में अपने आप तो फुटेज मिल ही जाएगी, तो शायद उसने यही सोचा होगा और हुआ भी वही, सब जगह उसी की चर्चा हो रही है। हालांकि देखा जाए तो गौरी खान खुद की ही एक अपनी इंटीरियर डिजाइन की कंपनी चलाती है, गौरी खान डिजाइन्स के नाम से, जो बॉलीवुड के लोगों के लिए इंटीरियर डिजाइन का काम उनकी कंपनी करती है। तो 86 लाख रुपए मुझे नहीं लगता उनके लिए कोई बड़ी बात है। हालांकि उनका मामला गौरी खान से जुड़ा हुआ भी नहीं है, लेकिन उनके ऊपर केस दर्ज किया गया है और ये बात उनको खुद भी पता तक नहीं है।